ये वीडियो देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो जो मैंने माल्टा से रिलेटेड बताया था कि 2024 के रियल प्रॉब्लम्स क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, अगर उसके लिए रेडी हो तो ही ये वीडियो देखना। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है और आप पूरी तरीके से रेडी हो कि अब आपको कैसे अप्रोच करना है माल्टा जॉब से रिलेटेड। तो मैं नई ट्रिक्स बताऊंगा जो 2024 में वर्क करेंगी, क्योंकि पुराने ट्रिक्स पुराने तरीके वैसे ही ईमेल करना, जॉब दौड़ के अप्लाई करना, ये ओल्ड हो गया है। क्यों? ऑलरेडी लाखों लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहां से कैसे डिफरेंट हो? वो आपको क्यों हायर करें और बाकियों को ना हायर करें? आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज हैं? क्यों वो अपना टाइम अपना पूरा फोकस आप पे रखे, आपके लिए वेट करें? तो ऐसा आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? तो बिना एजेंट के अगर आपको सच में जॉब फाइंड करना है तो इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हो सकता है सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो, बट ऑलमोस्ट ये ट्रिक हर जगह वर्क करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग माल्टा पार्क की वेबसाइट में जाना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब आप माल्टा पार्क की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पे आप अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हो। माल्टा पार्क में केवल वही बंदा अकाउंट क्रिएट कर सकता है जो यूरोप के अंदर हो, बट कोई इशू नहीं। आपको जब जॉब सेक्शन में जाओगे तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के कॉन्टैक्ट होंगे। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि जो भी कंपनी है उसके सारा डिटेल निकालना है, और उससे पहले एक अप्रोच आपको अपनानी है, आपको ओपन बनना पड़ेगा। आपको किसी भी फील्ड की जॉब मिले आपको ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हो, किसी चीज पे ही आप काम करना चाहते हो, ठीक है, बट पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा से ये होनी चाहिए एक बार मैं यूरोप के अंदर इंटर करता हूँ। क्योंकि एक बार यूरोप में इंटर कर गए तो आपकी फील्ड जो भी है वो जॉब मिलना बहुत ईजी है कम्पेयर टू आपको अपनी कंट्री से आना पड़े यहाँ पे। तो पहला अप्रोच आपको यही करना पड़ेगा, आपको सीवीज बनानी पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, आपको अपना अलग अलग प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड चीजें करनी पड़ेंगी और फिर अप्रोच करना पड़ेगा। और एक बार जब आपको जॉब लग जाती है फिर आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। अब मैं बताता हूँ कैसे चीजें करनी। जब आप माल्टा पार्क की वेबसाइट में एंटर किया उसके बाद पहली कंपनी लेट सपोज कोई आई, उसको आपको नेट पे सर्च करना है और कोशिश करनी है कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर या उनका व्हाट्सएप नंबर निकालना है और वहां पे आपको सीवीज भेजनी है। जब आप वहां पे सीवी भेजोगे मैक्सिमम टाइम हो सकता है लोग आपको ब्लॉक कर दें, कुछ टाइम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और कुछ टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे तो बोलेंगे कि केवल अगर आप माल्टा के अंदर हो तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट काफी बार आपको पॉजिटिव रिप्लाई भी आएंगे, काफी बार एजेंट से अगर आप इन्वॉल्व हुए जो माल्टीज एजेंट हैं तो हो सकता है वो पैसे भी डिमांड करें, बट आप ट्राई करते रहोगे। हर दिन 30 से 40 कंपनियों को अगर आप ऐसे ही सीवी भेजोगे उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे नहीं व्हाट्सएप पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट हो जाए आपको जॉब देने के लिए। हो सकता है अभी थोड़ा ये चीजें स्लो चलें, क्यों? क्योंकि अभी क्रिसमस है तो वो वीकेंड्स में ये चीजें नहीं फोकस करते, क्योंकि हम जब जॉब ट्राई करते हैं हम हर दिन ट्राई करते हैं, बट एटलीस्ट आप उनको मैसेज छोड़ सकते हो और ऐसे ही वेट करते रहना पड़ेगा आपको, और तब जाके शायद आपको अपनी जॉब मिल जाए। गारंटी अभी भी नहीं है क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, बहुत ज्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि अब बहुत कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स। तो यही अप्रोच आप और कंट्रीज के लिए भी ट्राई कर सकते हो। हर यूरोप की कंट्री के लिए आप जॉब फाइंड करके डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करो, तो चांसेस हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।